देखिए प्रोजेक्ट जैसा कि नाम है द क्रिस क्रॉस डील, सो ये एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट है और स्टोरी जो कि विजन है अतुल सर का बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक पुलिस कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ये देख के सभी ऑडियंस को और हमें करने में भी। मैम आप बताइए क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कितनी उत्साहित इस कैरेक्टर प्ले करने के लिए? सो इट्स अ म्यूजिकल इनॉग्रेशन ऑफ दिस क्रिस क्रॉस डील और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। एक थ्रिलर सस्पेंस है और आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कॉल्ड मोनिका। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी बिकॉज कैरेक्टर को मैं चाहती हूँ कि उसको पहले उसकी जर्नी को हम अच्छे से जी लें पूरी तरीके से, फिर जब सडनली सबके सामने ये कैरेक्टर आएगा या ये यू नो सीरीज आएगी सो पीपल विल एंजॉय। अतुल जी बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर हैं। उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, हम उसी टाइम पे ये था कि करने वाले हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो हुआ नहीं। बट देन आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वी आर अगेन यू नो डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड द राइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इट्स वेरी आई मीन फुल ऑफ थ्रिल, सो बहुत मज़ा आएगा एंड ही इज़ एब्सोल्युटली टैलेंटेड। जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार सर से मिला तो जिस तरीके से उन्होंने अपना विज़न और स्टोरी के बारे में मुझे बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था और बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनके साथ काम करना जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक ब्लेस्ड थिंग है और इतने अच्छे सब्जेक्ट में इतने सुपरली जो लिखा गया है जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है तो बहुत मज़ा आएगा करने में। लास्ट वन एंड हाफ ईयर तो काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इस दौरान क्या आपका था प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरह से उतार चढ़ाव देखा आपने या क्या प्रोजेक्ट किया आपने उसके बारे में कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे? Should I? Yeah, please, please, please. So, yes, lockdown का टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो, एक्टर्स हों, टेक्नीशियंस हों या एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। सो अभी धीरे धीरे सब लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, काम स्टार्ट हो रहा है, सो वी एवरीबडी इज़ यू नो हम लोग सब मोटिवेटिंग हैं। और उस वक्त भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी फिटनेस एडिक्ट, सो मुझे लगता था कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि डिफ़िकल्ट है क्या करें कैसे करें सो वो टाइम को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो उसमें मैंने अपना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, रीडिंग हो फिर चाहे किसी भी तरीके से मोटिवेटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो एंड देन एक्सरसाइज हो, योगा हो, ऑल दैट। सो बट नाउ आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि चीज़ें खुल रही हैं, इंडस्ट्री का काम शुरू हो गया है, एवरीबडी इज़ नाउ एटलीस्ट आई कैन सी स्माइल ऑन देयर फेस and everybody is working, so by grace of God now things are better. जी बिल्कुल, ये जो समय था ये एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बहुत ही मुश्किल भरा था और चाहे वो फिर डेली वेजेस वाले हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी के लिए एक बहुत मुश्किल भरा दौर था। और अच्छी बात यह है कि अभी चीज़ें धीरे धीरे वापस सभी पटरी पर आ रही है गाड़ी। सो जैसा कि बताया आपने, और क्योंकि मैं भी फिटनेस को काफ़ी मानता हूँ तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया अपने क्राफ्ट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए, उस पर काम किया, अपने फिटनेस लेवल को और इम्प्रूव किया मैंने, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप डेली आप वर्कआउट करें, आप योगा करें या फिर आप अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाएं ताकि एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि वो बना रहे। और मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले के में क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स और मैं बिज़ी हो गया, वापस फिर से एक सेकंड लॉकडाउन हुआ तो फिर वापस चीज़ें बंद हो गई। बट अच्छी बात यह है कि अभी वापस चीज़ें फिर से धीरे धीरे खुल रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं, तो इट्स गुड नाउ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जैसे कि हमारे अतुल गुप्ता जी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर अभिषेक जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके सर, और जेन्युइन में सीबीआई ऑफिसर होने के नाते मुझे ऐसे महान किरदारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो जेन्युइनली सर आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा इस सीरीज़ में कैरेक्टर है रवीना का, तो ये मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जिसमें एक सस्पेंस स्टोरी है, ड्रामा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये प्रोजेक्ट करने में
और आई होप सो कि आप भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे इसको और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निर्माता के बारे में तो ऐसे कहना चाहूँगी, जब सबसे पहले मुलाकात हुई थी ऑफिस में आया, उन्होंने मुझे इतनी सारी स्टोरी बताई, ये सब बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैंने इसके पहले ये वेब सीरीज़ का तो ऐसा कोई फॉर्म किया नहीं है, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने स्टोरी बताई तो एक यूनिक है सर मेरे लिए, ये बहुत ही अच्छा है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अतुल गुप्ता जी को कि उन्होंने ऐसे मुझे किरदार के लिए चुना है। अतुल गुप्ता जी के बारे में मैंने बहुत कुछ पहले सुना है कि ही इज़ लाइक वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन जब उनसे मिलने के बाद में मैंने इस सीरीज़ के बारे में सुना तो मुझे लाइक मैं खुद आई एम सो ब्लेसिंग कि हाँ मुझे ये सीरीज़ ऑफर हुई है और उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को इतना मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ही इज़ लाइक वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एंड जो प्रोड्यूसर है अभिषेक जी, तो उनसे मैं दो बार मिल चुकी हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, सो बहुत अच्छा। और लास्ट का वन एंड हाफ ईयर बहुत डिफिकल्ट रहा, तो प्रोफेशनली कैसा रहा आपका काम के हिसाब से, या आगे फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप, किस तरह से? आगे फ्यूचर तो अभी सर जेन्यूनली सब कुछ चालू हो चुका है। वन एंड हाफ ईयर जो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, हम सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं बाकी सभी के लिए बहुत मुश्किल था सर, तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इसके बाद ऐसी कोई भी चुनौती हमारे सामने ना रखे वो, बस और बी पॉजिटिव, बहुत अच्छे से आगे काम करना चाहते हैं बस। थैंक यू। हाँ ये मतलब लाइक सब जानते हैं कि ये दौर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब लाइक सबके लिए, इंडस्ट्री वाले के लिए, जो वर्किंग एनीबॉडी, सबके लिए ये बहुत ये था, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ आगे ऐसा कभी कुछ ना हो और आगे ऐसा कोई भी दौर ना है हमारी लाइफ में और सब हमेशा हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जानना चाहूँगी इस फिल्म के बारे में किस किरदार निभा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है, क्या थीम है और जो निर्माता निर्देशक उनका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्पेशली थैंक्स है अतुल सर को, जिनकी वजह से मुझे ये किरदार मिला। इससे पहले एक और प्रोजेक्ट मैं वेब सीरीज़ का कर रहा था जिसमें अतुल सर थे साथ में, तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर ऑल्सो, एंड बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और इसमें मैं करण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि भागता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि ओपन नहीं कर सकते हैं फिलहाल। आप लोग इन्जॉय करिए, देखिए अभी बनेगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जितनी बेस्ट बन पाए उतनी। फ्यूचर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि पास्ट में जो भी टाइम अपना गुजरा है वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, तो पिछले लास्ट लगभग एक आध साल थे तो घर पे ही, मतलब इधर उधर सब लॉकडाउन वगैरह, बट ठीक था, कोई नहीं, घर पे एक्टिविटीज़ चलती रहती थी कुछ ना कुछ, मम्मी बोला करती थी कुछ ना कुछ हुआ करता था घर में, बट ठीक था। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है शेयर करना चाहेंगे आप, या स्क्रिप्ट है जो आप? हाँ मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ, काफ़ी सारे काम किए हैं, एल्बम किए हैं, पंजाबी किए हैं, हरियाणवी किए हैं, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम राजस्थान जोधपुर, हाँ तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन आई थिंक कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, तो मैं मतलब अपना 100% इसको देना चाहती हूँ और आई होप सो कि आप सबको मेरा काम बहुत पसंद आए और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या थीम की जो चयन किया है कलाकारों का, किस आधार पे किया है, जितने कलाकार को चयन किया है? प्रोजेक्ट जो है वो ये एक मिनी वेब सीरीज़ है, क्योंकि बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कम में ही समेटने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इसको हम 2 एपिसोड का एक सीज़न बनाते हैं। और थीम जैसा कि आपने पूछा, तो बेसिकली इट इज़ अ क्राइम थ्रिलर, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें अलग है जो शायद आपको देखने के बाद ही समझ में आ पाएगा। फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ कि नॉर्मली जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं उसमें एक क्राइम होता है और एक सस्पेक्ट होता है, फिर बाद में उसे पकड़ा जाता है। हमारे क्राइम थ्रिलर में कौन सस्पेक्ट है, किसने क्राइम किया है, और एक्चुअली क्राइम के बदले क्राइम की किस तरह से डील होती है, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। इसलिए इसका टाइटल हमने रखा है द क्रिस क्रॉस डील। इट इज़ अ डील ऑफ क्राइम विच अ क्रिमिनल मेक्स विद अनदर क्रिमिनल। तो शूटिंग शेड्यूल कब डिसाइड किया, कब होने वाला है? शूटिंग हमारा 14 से स्टार्ट हो रहा है इसी मंथ।
तो वेब सीरीज है तो क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये सस्पेंस थ्रिलर है या मतलब क्लीन नीट सस्पेंस थ्रिलर है कि सेंसुअल हो, किस तरह का होगा ये सस्पेंस थ्रिलर? आपका मोटिव क्या है? मतलब मोटिव बेसिकली यही बताना है कि क्राइम कितनी भी होशियारी से प्लान किया जाए, एक कैरेक्टर हमारे इस वेब सीरीज़ में एक डायलॉग कहता है कि जुर्म अपनी ज़ुबान खुद बोलता है, गुनाह अपनी पोल खुद खोलता है। बस दिस इज़ अवर बेसिक थिंग विच वी वांट टू से। शूटिंग कहाँ कहाँ होने सकता है? शूटिंग सारी बॉम्बे में होने वाली है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको बेसिकली आप करते हैं? बेसिकली ओपन मार्केट के लिए मल्टीपल शेयर्ड स्ट्रीमिंग में जाएगा। फिलहाल एक विज OTT प्लेटफॉर्म जो है, जिनका अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप है, प्राइमरी हमारा जो है उनके साथ में स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप का डील हुआ है, लेकिन उनके ज़रिए ये सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी स्ट्रीम होगा। अब समझ में नहीं आया, किस तरह जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में आप? मैं इसमें एज म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ा हूँ। कितने गाने हैं इस वेब सीरीज में, किस तरह की म्यूजिक लगेंगे? अभी तो हम लोग टाइटल सॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद में और कितने गाने निकलेंगे वो डायरेक्टर साहब से पता चलेगा, तो करते जाएंगे। मैम आप क्या कहेंगे सीरीज के बारे में और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है और आप इससे जुड़े? हाँ जरा, अच्छा सॉरी आप बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए। नहीं बोलिए, यही है कि मैं इसका मेन टाइटल सॉन्ग जो है वो मैं गा रही हूँ, उसके बाद आगे का जो भी है वो देखेंगे। मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई गाएं? होते हैं सौदे कई जुर्मों के सौदे बेईमानी के, crime, 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 setting crime, cheating, deception, lies and lies, ऐसे ही सौदों को कहते हैं मेहनत की तरफ से देखें तो एक ही है, मतलब जो हम लोग वेब सीरीज में जो हमारी मेहनत होती है गाना वही है, तो अगर एफर्ट्स की तरफ से देखेंगे तो उतना ही एफर्ट है, तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं। और ये भी जानते हैं जो लास्ट वन ईयर रहा है बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो किस तरह का प्रोफेशनल लाइफ था आपका, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? फ्यूचर प्लानिंग अभी ऑनेस्टली कुछ सोचा है नहीं, जो भी अभी जो होगा जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। फिर भी कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है या होने वाला है, कितनी पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है कि काम होता रहेगा, चलता रहेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री जिसकी तरफ लोग आते हैं अपने सुकून के लिए, तो काम तो चलना ही है यहाँ पे, सो वी आर होपफुल अबाउट इट। सर आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे क्या कुछ नज़र आ रहा है? माहौल तो देखिए बहुत डिप्रेसिंग है, और आगे का फ्यूचर ऐसा है कि अपनी लाइन जो हमारी जो एंटरटेनमेंट मीडिया की लाइन है वो ऐसी है कि जैसा एक बच्चा होता ना कि रात को जल्दी सो जाता और सुबह बहुत देर से उठता है, ऐसे जब लॉकडाउन होता है सारी चीज़ें बंद होती हैं तो हमारा फील्ड सबसे पहले बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, एक्टिव पब्लिक, तो सबसे पहले हमारा फील्ड बंद होता है और उसके बाद में बाकी सब खुल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगस्त से थोड़ा सब खुलना चालू हुआ था, बाकी सब बिजनेसेस चालू हुए थे, हमारी लाइन नहीं चालू हुई थी, हमारा जाके जनवरी फरवरी से थोड़ा चालू हुआ तो दोबारा लॉकडाउन हो गया, अभी फिर से थोड़ा सा शुरू हुआ, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं तो अब ये फिर हो रहा है कि ये वेरिएंट आ गया Z+ वेरिएंट, और उसके बाद में अभी Delta+ वेरिएंट आ गया है, उसके बाद में जीका है, और फिर थर्ड वेव इज अराउंड द कॉर्नर, मतलब सारा प्री प्लान्ड है। तो इस हिसाब से तो बड़ा डिप्रेसिंग है, लेकिन अब ठीक है, हम तो कलाकार हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि मतलब फास्ट मीडियम होता है शूट करने के हिसाब से, प्लीज करने के हिसाब से, क्योंकि टीवी शोज हो या फिल्म का भी? हाँ देखिए, सब की चाहे आप फिल्म बोलें कि टीवी शो बोलें या वेब सीरीज़ बोलें, मीडियम अलग होने से काम का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अप्रोच भी चेंज हो जाती है। तो अभी वेब सीरीज़ जो है वो जो थिएट्रिकल फिल्म के लिए जो हम लोग काम करते थे उतना हैवी काम अभी नहीं हो रहा है, इवेंचुअली आगे चल के इतनी बड़ी उसी लेवल पे सब होने लगेगा तो फिर होने लगेगा, अभी तो थोड़ा सा फ़र्क है। थैंक यू सर।
थैंक यू। जो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ सर, निःशब्द हूँ। जेन्युइनली हमारे डायरेक्टर जो है अतुल गुप्ता जी, उनसे जब मिली तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली, और उन्होंने इतना अच्छा मुझे सीरीज़ के बारे में बताया, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और उनके साथ काम करने में जो मुझे मज़ा आएगा, और अभिलाष चौधरी जी है, समीक्षा भटनागर है, ये जेन्युइनली एक ऐसे कलाकार है जिनके साथ पहली बार मैं काम कर रही हूँ, और मुझे मज़ा आएगा सीरीज़ में काम करने का। पास के बारे में जानने को मिली, पास में जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे कितना आपको अलग लग रहा है और कितना? बहुत ही अलग है सर। एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने एक पहली फिल्म की है, और ये सीरीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि किरदार जो मैं निभा रही हूँ ये बहुत ही अलग है। और मैंने जैसे कि बताया है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और मज़ा आएगा सर। आप कितने उत्साहित हैं और क्या कहना? जी देखिए, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कैरेक्टर, और हमेशा से ही मैं फोर्स से रिलेटेड या कॉप से रिलेटेड जो कैरेक्टर होते हैं उसको करने में मुझे हमेशा से ही मज़ा आता है। और अतुल जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना विज़न मेरे सामने रखा, जिस तरीके से ये स्टोरी जो लिखी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और यकीन मानिए जब आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने उस विज़न को सामने रखा है और जिस तरीके से उसे समझाया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके विज़न पर पूरी तरह से काम कर पाऊँ। जो पास के आपने उस टाइम कुछ बताइए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था और क्या खास था आपके उस रोल में जो अपने प्ले किया था पास में? देखिए, पास में अभी कल ही मेरी Zee5 पे फिल्म रिलीज़ हुई है, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, अक्षय खन्ना जी के साथ। सो दैट वॉज टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। आई वॉज प्लेइंग अ टेररिस्ट, मेन नेगेटिव लीड इन दैट फिल्म, और बहुत ही टफ कैरेक्टर था वो, क्योंकि एक आतंकवादी का कैरेक्टर प्ले करना, जो कि ऑलरेडी एक हेटेड कैरेक्टर है ऑलरेडी, जो कि लोगों को मारना चाह रहा है या मार रहा है, तो और उसके साथ न्याय करना पर्दे पे, तो वो वाकई में बहुत ही मुश्किल भरा है, और जिसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लगी, बहुत सारा हम लोगों ने अभ्यास किया उसके लिए, उसको जीवंत करने के लिए उस कैरेक्टर को। सो दैट वाज माय लास्ट प्रोजेक्ट, और उसके पहले RGV का मैंने डी कंपनी फिल्म किया था, वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर ही था। तो दिस टाइम आई एम डूइंग दिस पॉजिटिव कैरेक्टर, और मज़ा आएगा करने में। लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से OTT पे फिल्म्स में आ रही हैं, आपको लगता है कि OTT पे वो कामयाबी मिलेगी फिल्म को जो बिग थिएटर्स में मिलती है? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर भी एक छोटा पर्दा बना रहता है, मतलब जो एक्साइटमेंट आप पर्दे पे देखते हैं दर्शक, क्या कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि किस तरह से देखते हैं OTT? देखिए, कंपैरिजन करना सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। आप TV, OTT या फिर थिएटर का कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, समय के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, तो हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। और अभी जैसा कि ये पैंडेमिक का जो दौर चला हुआ है, सभी के लिए मुश्किल भरा है, सो अभी अपने पास OTT के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। सो और ये सबसे एक इजी टू लाइक कैरी चीज़ हो गई है कि आप जब चाहे जहाँ चाहे अपने मोबाइल में, अपने TV में, घर बैठे आप चीज़ें देख सकते हैं। सो एक टाइम है, एक दौर है ऐसा जहाँ पे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं, और थिएटर का एक अपना अलग मज़ा है, OTT का एक अपना अलग मज़ा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, बट जल्दी ही चीज़ें सब कुछ सही लाइन पे आएंगी, और थिएटर भी चालू होंगे और फिल्में भी चालू होंगी, और OTT भी अपने सही रफ्तार से चलते रहेंगे। सर, मैं यह जानना चाहूँगा जिस तरह से TV में या फिल्मों में फीमेल्स एक्ट्रेस को मतलब एक डिसेंट तरीके से दिखाया जाता है, वेब सीरीज की बात करें तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी हैं, तो उसके लिए बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, खिलाफ तो मैं किसी भी चीज़ के नहीं हूँ। देखो, हमें जो किरदार निभाने के लिए कहा जाता है, तो जेन्युइनली हम लोगों ने उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, है ना? तो बस मैं और क्या कहूँ, और सीरियल का एक अलग पार्ट हो गया, वेब सीरीज़ का एक अलग पार्ट हो गया सर, जो हमें रोल दिया जाएगा डेफिनेटली हम उसमें अपना 100% देंगे। जी, मैं इस सीरीज़ में रवीना का किरदार निभा रही हूँ, जो कि इनकी वाइफ का कैरेक्टर है। तो देखना चाहूँगी कि दर्शकों को कितना पसंद आया हमारा किरदार, और लाइक ये जो स्टोरी है एक सस्पेंस है, ड्रामेटिकल है, तो आई होप सो और आई थिंक कि आपको बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग सबको हमारे जो कैरेक्टर है, और आई होप कि हम अपना 100% इसमें दे पाए और आपको हमारा काम अच्छा लगे। सर, आप किरदार के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो निर्माता इंडस्ट्री के बारे में? मिली तो अगेन मैं थैंक्स बोलूँगा अतुल सर को, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक लिखा हुआ है, बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं करण नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि आप समझ भी नहीं पाओगे वो कैरेक्टर क्या है, कैसे है, क्यों है, वन बाय वन बहुत सारे पत्ते खुलेंगे इसमें, एंड उसमें लास्ट में आपको कुछ और मिलेगा, शुरू में कुछ और होगा, तो मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड स्पेशली मैंने इससे पहले जो भी शोज़ मैंने 12-13 TV शोज़ किए हुए हैं, इससे पहले मेरा लास्ट शो वेब था भोकाल,
जिसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, तो नेगेटिव के बाद में ऐसे किरदार करने में बहुत बहुत ही अलग ही मज़ा है, क्योंकि मैंने जब भोकाल किया था तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, बिकॉज इससे पहले जितने भी शो मैंने किए तो ऑलमोस्ट मैंने कॉमिक प्ले किया है इसमें, मेरा लास्ट शो था निमकी, तो देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है इसमें और आप सारे लोग एंजॉय करोगे इसको। ये भी कहना चाहूँगा कि OTT पे सेंसर आने की बात काफ़ी दिनों से हो रही है, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तो वेब सीरीज काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन कई वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड होते हैं। हम किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते, लाइक वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैरेक्टर करना चाहते हैं। और लाइक OTT का अगर हम बोले तो अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, कब थिएटर, अभी तक तो थिएटर ओपन भी नहीं हुआ है, कब कुछ बंद हो जाए तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो लाइक एक मोबाइल ही ऐसा जरिया है कि हम लोग घर में बैठे आराम से सीरीज देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आराम से, मतलब लाइक अगर ऐसा सीरीज है तो आई थिंक कि लाइक फैमिली भी एंजॉय करें कि जो सीरीज़ को, बाकी मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली के साथ बैठ के वो सीरीज़ नहीं देख सकते, मतलब लाइक बोल्ड कॉन्सेप्ट और ये वो सब कुछ, तो यही है कि हाँ OTT भी अच्छा है। क्या जी, सॉरी, ये बहुत ज़रूरी है, इसका जो सही रियलाइज है वो इसी लॉकडाउन में हुआ है फिलहाल। OTT मुझे ऐसा लगता है OTT के जितने भी प्लेटफॉर्म आए उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपको कोई बैरियर नहीं होते हैं, जस्ट लाइक आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कंटेंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ से दिखा सकते हो, सो शूट कर सकते हो, एंड सेंसर का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड माई टीम ऑल्सो, एंड स्पेशली थैंक्स अगेन अतुल सर जिन्होंने इतना अच्छा सब कुछ क्रिएट किया है। थैंक यू।